हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला बोल जाना। सॉरी, मैं अभी मैक्सिमम वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अभी मुझे नहा धो के पूजा करने में बहुत टाइम जाएगा तो बहुत लेट हो जाता है क्योंकि बहुत बड़ा दिन है। आज सैटरडे है और कल संडे है। कल बहुत बड़ी अमावस्या है। अमावस्या आज रात से ही 12:23 से शुरू हो जाएगी और कल 26 की रात को 12:15 पूरी होगी, मतलब 25 की रात को 1:30 तक। सॉरी, रात को बहुत काम था। कल हम लोग ओल्ड एज रूम गए थे राधिका, जहाँ पे मैं खाना खिलाने गई थी। लेकिन सबसे पहले काम की बात, कल किसी ने मुझे मैसेज किया कि व्हाट्सअप पे आपने लिखा है डीपी पे कि दुश्मनों को खात्मा करना है, हॉस्पिटल पहुँचाना है तो सुल्तान जिन ले लो। तो सुल्तान जिन का खर्चा भाई मैंने पहले भी बोला है 1.5-2 लाख रुपये आता है, क्योंकि सुल्तान जिन है ही उतना पावर। लेकिन सामने वाले ने समझा नहीं कि सुल्तान जिन सिर्फ मारण मोहन वशीकरण नहीं करते हैं, आपको पैसों से फ़ायदा दिलाता है। आप जो काम बोलोगे करेगा। आज हम लोग बारिश का आवाहन करते तो बारिश होती है, सब काम होता है, मतलब ए टू जेड। अगर हम किसी को चुप कराना था तो चुप होता है, अगर हम किसी को सोचते कि उसको बराबर कर गया तो करते हैं। तो किसी ने फिर अपना ईगो दिखाया और मुझे क्या कह रहा है मालूम है कि क्या 1.5-2 लाख में मर्डर हो जाता है पूरा। अरे क्यों नहीं हो जाता है? अगर एक इंसान ने हमारी ज़िंदगी को झंड बना दिया है, हाँ, अगर जैसे अगर हम कमा रहे खा रहे चुपचाप अपने घर में पड़े हैं, कोई ऐसा बंदा हमारे बीच में आता है जो हमारी ज़िंदगी का पूरा सत्यानाश कर देता है, कहीं का नहीं छोड़ता, हमारे बिजनेस को खा जाता है, हमारे काम धंधे को खा जाता है, हमारी ज़िंदगी को पूजा करनी कर करके बेकार कर दिया, तो इस इंसान को मारना ही भला है ना। तो हम लोग उसको जिस तरह से मारते हैं, तो भाई जिस तरह से ये होता है शक्तियों के ज़रिए, उसका हाथ पैर टूट जाना, उसको अपने ही दिमागी तौर पे पागल बना देना या कुछ ऐसा हो जाना कि उसको हार्ट अटैक आ जाए या मर जाए, तो वही इंसान मनाएगा ना। अभी अगर आप किसी की तकलीफ़ में हो तो आप तो यही मनाएंगे ना, सत्यानाश हो जाए मर जाए, यही मनाओगे ना। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, अभी जैसे अगर मेरे साथ जो हुआ है तो मैं तो दिन रात मनाती हूँ, लेकिन मुझे उस तरह नहीं मार रहे हैं ना। मारण क्रिया तो मैं, मेरे लिए 5 मिनट का काम है। मैं अभी आज काम करूँ 72 घंटे में उस आदमी को ऊपर पहुँचाने का दम रखती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे ऐसे नहीं मारने, मुझे वैसे मारने कि सामने वाला तिल तिल के मरे। तिल तिल का मतलब समझते हो, एक एक पैसों के लिए मोहताज होके मरे, समझ लो, एक एक पैसों के लिए मोहताज होके मरे, मतलब ना उसे कहीं कुछ मिले ना कुछ, हर तरह से वो तिल तिल के मरे। ऐसा सोचो, तिल तिल के मरे, क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में सब लोगों ने नहीं सोचा था। एक बात सोचिए, समझो अभी प्रपोज़ मैं हूँ, जिस तरह से मेरे साथ हुआ, जिस तरह से मेरे अपने घर वालों ने मेरी ज़िंदगी झंड की, मेरे प्रभु की ज़िंदगी बेकार की, उसके बाद और लोगों की बेकार की, तो क्या मतलब है उसका? हाँ, मैंने तो आज की तारीख में जो आरिफ आरिफ लोगों का वो हाल किया है ना कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। जैसे कुमाता हो गई, आरिफ हो गई, लड्डू की मम्मी हो गई, ये लोगों का वो हाल किया है ना कि ये लोग मौत को बुला रहे पास में, लेकिन मौत इनके पास जाने को तैयार नहीं है। हाँ, कसम से ज़िंदगी सत्यानाश हो गई है। आरिफ का पूरा काम धंधा बंद हो चुका है, कहीं ना उसे कोई काम देता है ना कुछ देता है, हर जगह उसको एक उस पर एक ट्रेडमार्क लगा है, क्योंकि वो ड्रग्स बेचते हैं तो उस पर एक ट्रेडमार्क लगा है। बेचते हैं अभी भी, ऐसा नहीं है, लेकिन जो बीच में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो गलत थी। फिर से एक बार बोलूँगी कि आज बहुत बड़ा दिन है। पहले काम की बात करते हैं। कल है अमावस्या, कल के तारीख में मारण मोहन वशीकरण मुठकरनी नमक का काम सब कुछ होने वाला, और इस महानवरात्रि में महाकाली काड़ूबाई साक्षात घर पे आ रही है। तो महाकाली की शक्ति लेना बहुत अच्छा रहता है ना। काली कामाख्या संपूर्ण शक्ति, काली कामाख्या संपूर्ण शक्ति लेने से हमारे पास एक ऐसी शक्ति आती है जिससे हम हर तरह का अच्छा बुरा काम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आपको नहीं पता है, काली कामाख्या संपूर्ण शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है जिससे आप सामने वाले की मति फेर देते हैं। जैसे कुछ ग्रुप वालों ने मेरे दिमाग पे असर किया है, मैं उन लोग के लिए इतनी मेहनत करती हूँ लेकिन उनको समझ में नहीं आता, डायरेक्ट बोलते ठीक है कर दो, ये कर दो कर दो, तो ठीक है, इन 9 दिनों में पता चलेगा। अगर मैंने इन 9 दिनों में उनकी ज़िंदगी झंड नहीं कर दी ना, मेरा नाम बदल देना, बस बात ख़त्म। मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, जिन लोगों ने बोला उनके साथ तो हो गई। ये सब एक शक्ति ऐसी है जो इस शक्ति से, ये शक्ति और दूसरी बात ये शक्ति काली कामाख्या संपूर्ण शक्ति ऐसी शक्ति है जिसमें 9 दिनों के अंदर जो भी ये शक्ति लेगा उनको 9 दिनों के अंदर माँ काली साक्षात दर्शन देंगी, साक्षात दर्शन देगी। और ये जो लोग पूजा पाठ को पंडितों को फालतू समझते हैं, गलत समझते हैं ना, आप देख लीजिएगा, ये बहुत सारे मेरे ग्रुप में नहीं, बहुत सारे मेरे व्हाट्सएप पे भी है कुछ लोग,
जिन्होंने मेरी पागल में गिनती की उनकी बैंड तो ज़रूर बजाएगी। तो ये टाइम है आपका शक्ति लेने का, फटाफट चाहिए करना है तो अपना नाम फोटो एड्रेस भेजो, करवाओ, बाकी आपकी मर्जी। ये तो पक्का है कि जो भी ये शक्ति लेगा, माँ काली उसको नवरात्रि के 9 दिनों के अंदर साक्षात्कार दर्शन देंगी। ऐसा लगेगा कि आपके सपने में कोई आया, पूरी तरह से दर्शन देंगे और आपको वचन बंद करके जाएंगी कि मैं वचन देती हूँ कि आगे मैं तेरा हर तरह का साथ दूंगी। फिर काम करो, देखो फिर उसके बाद काम करो, उसके बाद मज़ा देखो। एक मंत्र मिलेगा, वो मंत्र के साथ एक तरीका मिलेगा, निचोड़ दो दुश्मन को। नहीं दुश्मन हो और लोगों की बैंड बजा देना तो देख लेना, मेरी माता रानी का नाम से बोल रही हूँ मैं, फिर मेरा नाम बदल देना। ऐसी बात है, क्योंकि धावजी पाटिल उनके रक्षक बन के आते हैं, काल भैरव की शक्ति मिलती है। प्लस अभी जैसे देखो आरिफ का काल मैंने किया कि उसकी पूरी ज़िंदगी झंड कर दिया, उसको ना कहीं काम धंधा कुछ, बीच में जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो गलत मिली थी मुझे कि वो ड्रग्स बेच रहा है, ये बेच रहा है, बेच रहा है, लेकिन उस तरह से उसको कोई पूछता नहीं है, खुद की औकात नहीं है उसकी। वो जो उसके साले ने हरकत किया था उसको भी ढूंढ रहे हैं, देख लेना। ये जब भी पकड़ा जाएगा बहुत मार खाएगा, बहुत बहुत मार खाएगा, टेंशन मत लो। क्योंकि मैं क्या अभी भी नशा लेती हूँ कि तुम लोग मुझे हड़बड़ में बताओगे और मैं हड़बड़ में भागूंगी? अरे मैं तो भागूंगी, मेरे प्रभु को नहीं भागने दूंगी, क्योंकि उसने तो कभी कहा ही नहीं है, उसने तो कभी बोला ही नहीं कि इनसे दुश्मनी ले, उससे दुश्मनी ले। बदला तो मैं ले रही हूँ, क्योंकि वो तो किसी से दुश्मनी ले लेना चाहता, उसके घर में एक साक्षात काली नागिन बैठी है, वो उसके साथ दुश्मनी नहीं निकालता, वो तो उसको भी पड़ा रखा है, एक बाजू में पड़ी रहे, तेरे को पड़े रहना है, पड़ी रहे। हाँ उससे भी याद आया, लड्डू की मम्मी से मैंने अक्सर देखा है, एक बात मैं सबको बताती हूँ, आज मैंने अक्सर एक बात देखी है कि अगर जब भी मेरे साथ प्रभु कहीं बाहर रहेंगे, देखो फ़ोन वोन करने को मना नहीं है, फ़ोन वोन आता है, लेकिन मैंने अक्सर ये बात देखी कि जैसे अभी कल हम लोग ओल्ड एज रूम में थे, उस वक्त रितु बावड़ी करके मेरी एक है बेचारी, जहाँ हम लोग उसको जानू बोलते हैं, उसकी मम्मी हाल ही में गुजर गई, हम लोग उसके लिए भी शांति प्रार्थना कर रहे थे, और एग्जैक्टली पता नहीं कौन उसको इन्फॉर्मेशन देता है, एग्जैक्टली उसी टाइम पे उसने 2 से 3 बार कॉल किया, हालांकि मेरे प्रभु ने उठाया नहीं। तो हंसी इस बात की आती है कि शायद किसी को समझ में नहीं आता, शायद क्या लड्डू की मम्मी को बोलते, तुमको समझ में नहीं आता है कि तुम समझ जाओ कि अगर आदमी ध्यान नहीं दे रहा है तुमसे बचने के लिए, अगर आदमी रात को 2-2, 3-3 बजे तक एरिया में यहाँ वहाँ बैठ रहा है तो समझो क्या कर रहा है। पता है कल मेरा प्रभु कितना रोया ओल्ड एज रूम में, उन बुड्ढों के साथ, बुजुर्गों के साथ, उनको पूछता है इनको किसने छोड़ दिया, तो लोग ने बोला बच्चे हैं, एक दो छोड़ के जाते, एक दो बार पैसा भेजते, बाद में पूछने भी नहीं आते। तो ओल्ड एज रूम वाले ऐसे नहीं कि उनको भगा देते, तो प्रभु को इतना रोने आया सब बुड्ढों के साथ वो सब, तो मुझे बोलता है तू कहाँ ले आई, मैं उनको चुप करा रही थी, और मेरा नज़र कहीं और भी था कि कौन ये इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, क्योंकि किसी पे मेरी नज़र 3-4 दिनों से है। लेकिन एक बात पक्की है कि मैं सामने से बोलती हूँ, जिस दिन उसकी औरत ने उसका मोबाइल चेक किया उस दिन बहुत बड़ा मारी मारा होगा, उस दिन लड्डू की मम्मी उस आदमी की औरत से बिंदास मार खाएगी, जो भी ये बात उसको इन्फॉर्मेशन देता है। मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे क्या करना है, क्योंकि कोई कौन क्या मारेगा, सबके सब बेशरम है, सब जानते हैं कि हांडी काली है, सब लोग मुँह मारे वैसा है। तो मुझे प्रभु उसका भी हाल बेकार किया, कैसे किया बताती हूँ। जब मेरे प्रभु को सबसे ज़्यादा बीवी और बच्ची की ज़रूरत थी ना, उस वक्त भी वो मुँह पे मास्क लगा के बात कर रहे थे। पता है आपको, 6 महीने के बाद वो औरत आई है, जब मैंने अपने प्रभु को फिर से जुलाई में ठीक किया, अच्छे से किया, जब मेरा प्रभु घर पे साड़ियाँ कपड़े पैसे लेके रक्षाबंधन में घर पे गया, तब उसको लगा कि हाँ मेरे पति का से फिर से पैसा वैसा आ गया, चलो अब जाना चाहिए घर पे। मैं ये बात से डरती नहीं हूँ कि मुझसे झगड़ा करने आएगी, मैं तो मेरे पास हर बात का पॉइंट है, क्योंकि मेरे प्रभु ने पत्रे की लाइन गिनी है। उस वक्त भी मैंने देखा था, जान तो फिर से वही बात करने मतलब नहीं है। तो मैं देखना चाहती हूँ कौन है ऐसा जो उसको इन्फॉर्मेशन देता है और एग्जैक्टली टाइम पे करते और क्या मिलता है। फुल ऑफ बेइज्जती, प्रभु फ़ोन मेरा उठाता है क्या, और मेरा प्रभु फ़ोन उठा के क्या बोलता है, कामत आए नंतर फ़ोन कर दो। कितना हंसी आता है हम लोग को, मैं बाजू में बैठी रहती हूँ, मुझे इतनी हंसी आती है कि मतलब वो हंसी रुकती नहीं है कि अरे यार कम से कम छोड़ दो। फिर उसके बाद पहला दाव का गायब होगा तो घर से फ़ोन आने जाता है, घर से आता तो मुझे कभी बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं तो खुद कल प्रभु को बोली, जब प्रभु रो रहा था ना तो मैंने कहा कि बताओ
तुम किसको देख के रो रहे हो, बोलते ऐसा। मैंने बोला इसीलिए तो कहती हूँ माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता। माँ बाप मेरे को सब पूछते, मैं भी अपने माँ बाप को मानती थी, लेकिन वो बात छोड़ दो, मुझे उनका नाम नहीं लेना है। माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता। मैंने प्रदु को कहा कि आरिफ शेख को मैंने किस लिए निकाला था, ये कारण सब जानते हैं। तुम्हारी मॉम लॉकडाउन के टाइम पे यहाँ पे कोई तो खाना फ्री में राशन दे रहे थे ट्रक से। तुम्हारी मम्मी धूप में, तपती धूप में लाइन में खड़ी थी। मेरे घर में काम वाली थी रेणुका करके, वो वहाँ से जा रही थी और उन्होंने देखा तो वो तुरंत आके मुझे बताई, और तुरंत मैंने उनको बोला, पैसा भेजा कि अभी का अभी आंटी को बोल वहाँ से लाइन से हटे। बस वो गुस्सा मेरे अंदर कि मेरा परिवार रोड पे खड़े हो के फ्री में राशन के लिए खड़ा है, और यहाँ मैं लोगों को राशन बांट रही हूँ, और ये भड़वा मेरे घर में बैठ के मटन मच्छी मस्त में चबा रखा रहा है। उसी दिन उस भड़वे को और उसके साले को मैंने घर से निकाला था, पता है, उस माँ के लिए। भले वो मुझे कुछ भी समझती हो, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। और मैंने बोला उसके बाद मैंने आपका 307 का केस सॉल्व करवाया, आपको जेल से छुड़वाया, आपके घर का देखरेख किया। मैंने क्यों किया था? मैंने इसलिए किया था कि तुम पूरे घर को देखो। तुमने क्या किया? लड्डू की मम्मी की बात सुन के तुरंत अलग हो गए, क्योंकि मेरे सामने की बात है। उन्होंने कहा कि नहीं जमता है, बीवी को परेशानी हो रही है, घर में परेशानी हो रही है वो। और सबसे बड़ी बात, लड्डू की मम्मी की सबसे गंदी बात, वो जरा सा कुछ होता है ना तो तुरंत अपने ससुर को बताती है, सास को बताती है, अपनी गलती नहीं बताएगी। लेकिन प्रदु लेट आएगा या कुछ आएगा उधर बताएगी, दोस्तों में फ़ोन करेगी। अभी हालांकि प्रदु ने शायद नंबर वंबर हटा दिया, नहीं तो पहले सारे दोस्तों के पास नंबर था A to Z, कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिसके पास उसका नंबर नहीं था। तो मैंने बोला आपने उस औरत के बोलने पे भीमनगर छोड़ के गौतम नगर चले गए, और आज आप यहाँ ओल्ड एज रूम में रो रहे हो। अरे उसका बस चलता ना तो वो कब का इनके माँ बाप को ओल्ड एज रूम में पहुँचाने में ज़रा भी पीछे नहीं हटेगी। आज वो सीधी बन रही है, क्यों? क्योंकि उसकी ज़िंदगी हो गई है झंड। कौन किया? मैंने किया। कैसे किया? कैसे किया मतलब क्या? उसकी करने की सज़ा उसको मिली है। मैंने ऐसे किया कि मैंने अपने प्रभु को सच का आईना दिखाया, नहीं तो वो औरत को मैंने खुद देखा है, मैं सबूत हूँ। कि वो जब भी वीडियो कॉल या फ़ोन पे आती थी ना तो उसका बस एक ही रहता था कि घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, तुम्हारी मम्मी के साथ क्या हो रहा है, खानदान में क्या हो रहा है, सारी पंचायत। और प्रदु के पास थोड़ा बहुत जो भी पैसा रहता था वो अपने भाई के पास मंगवाती थी। अब उसकी नहीं चलती ना, माँ बाप को नहीं देने देती थी, भाई के पास मंगवाती थी, पता है आपको। मेरा प्रदु तो भी माँ बाप को देखता है, ऐसी बात नहीं है। मैंने प्रदु को नहीं कहा माँ बाप को मत देखो, लेकिन माँ बाप भी महान है। माँ बाप को क्या है ना, अपनी झूठी इज्जत के लिए बहू को देखना है। एक बहुत बड़ा सच है कि बता दूंगी तो शायद बुरा लग जाएगा, लेकिन जाने दो, मुझे बताना नहीं है, लेकिन जाने दो। कभी कभी क्या होता है ना, सारा खानदान ही एक ही है। क्योंकि वो जो मैं लड्डू की मम्मी, वो भी आंटी की खानदान की है। तो कहते हैं ना, जैसे काकर वैसे बीता, जैसे माई वैसे, मतलब हमारे में कहावत है जैसी माँ वैसी ही बेटी होती है। लेकिन सॉरी, ऐसा कहावत तो झूठ है, अभी आजकल ऐसा नहीं है। लेकिन ये क्या है मालूम है, यहाँ पे लड़ाई किस चीज़ की, यहाँ पे ये नहीं देख रहा इंसान क्या कर रहा है। मैंने देखा है, अब मैं हंसती हूँ। पहली बात तो अभी हम लोग को देख रहे हैं कि कौन लड्डू की मम्मी को इन्फॉर्मेशन देता है, खुले आम बोलती हूँ यूट्यूब पे। मैं उस अगर भड़वे की माँ नहीं चोदती ना, बात ख़त्म। और ऐसा कुछ करूँगी कि उसकी बीवी के सामने, उसके मोबाइल में, अगर उसकी बीवी ने मोबाइल चेक करके उस आदमी को और इन दोनों को नहीं मारा ना, तो मेरा नाम बदल देना, बस ये बात है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो जा रही है। ये बात मेरे प्रदु को समझ में नहीं आएगा, वो बोलेगा अरे अचानक फ़ोन आया। फ़ोन आने को मना नहीं है, दिन में 10 बार करो, लेकिन एग्जैक्टली टाइम पे फ़ोन आना। क्योंकि उस वक्त हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, और उस वक्त प्रार्थना में से प्रदु को हटाना था, कि मेरा वीडियो बन रहा था तो प्रार्थना में से प्रदु हट के बाहर जाके बात करें। लेकिन प्रदु ऐसा नहीं करेगा, वहाँ पे समाज में खड़ा था, उसने वो फ़ोन बंद कर दिया। और बाद में बहाना क्या मारा गया, मानो मैं चाबी नहीं मिल रही थी घर की, फ़ोन उठाना चाहिए था। कोई नहीं, ये जो इन्फॉर्मर है ना, जिसको बड़ा शौक है, एक मिनट अनु, ये जिसको बड़ा शौक है ना, ये इस तरह से महान बनने का, दोनों साइड, प्रदु के सामने भी, उसके सामने भी। तो विद्या देवी क्या करेगी ना, वो देखना मज़ा, पक्का।
इतना मारेगी पकड़ के ना, मैं कसम से बोल रही हूँ, जितना जितना झंड मैंने आरिफ लोगों की ज़िंदगी की ना, उतनी तुम लोग की नहीं की ना मादर चोद लोग, तो मेरा नाम बदल देना, मेरे प्रभु को नहीं दिखता है। क्यों ज़बरदस्ती बांध रहे हो? मैंने क्या कहा था एक बार, मैंने एक माया मैडम की बात बताई थी, छोड़ दो अभी ये सब बात छोड़ो। हाँ, माया मैडम, हमारी माया मैडम भी आजकल माया मैडम की तो बात ही नहीं हो रही है। माया मैडम को भी गधी को समझ में नहीं आता है कि जब से उसके बच्चे का ब्लड टेस्ट हुआ है और ब्लड टेस्ट होने के बाद से उसके पति ने उस पर ध्यान दिया है क्या? उसका पति उसका वेट करता है कि पनौती सो जाए कर जाए तो वो घर पे सोने जाता है, और वो चाहता है कि जब ये पनौती स्कूल चली जाए बच्चे को छोड़ने चले जब तो घर पे से बाहर भागता है ना, घर पे खाना खाता है ना कुछ करता है। क्यों मालूम है? एक आदमी कैसे होते हैं मालूम है, जब उनको पता चलता है ना कि अब तक तो सिर्फ हवा में बात थी, लेकिन जब एग्जैक्टली सब कुछ सामने आता है ना, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट रिपोर्ट, तो जब उसको एग्जैक्टली पता चलता है ना कि ये चीज़ अपनी नहीं है, तो प्यार होता है लेकिन वो लगाव वो सब ख़त्म हो जाता है। अभी है क्या लगाव? तुमसे भी मतलब है क्या? मैंने देखा है, माया मैडम को एक बात पूछूंगी, तुम इतना दिन घर के बाहर थी, इधर थी उधर थी, तुमने भले कॉल वॉल नहीं किया, लेकिन तुम्हारे पति ने तुमको कभी सामने से कॉल किया क्या? तुमको पूछा क्या? मुझे तो कभी कभी लगता है माया मैडम की सास है ना, माया बहुत साथ देती माया मैडम का, तो कभी कभी लगता है जो काम उसने किया वही काम बहू ने किया, इसलिए थोड़ा सा बुरा लगता है। जाने दो, किसी के लिए गलत नहीं बोलूँगी लेकिन ये बात वहाँ पे भी सच हो सकती है। पुराने ज़माने में DNA टेस्ट नहीं होता था ना, ऐसी बात है, ये तो पता चल जाता कि यहाँ पे भी गड़बड़ी है। जान दो, सब नहीं बोलने का है किसी के लिए, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये बात माया मैडम को समझनी पड़ेगी और कुमाता सबको समझनी पड़ेगी कि जो किया है ना वो तो यहीं भुगतना पड़ेगा, ज़िंदगी भर भुगतना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मारने का मार डालो मुझे, लेकिन किसी के मारने से कोई मरता नहीं है, ये बात याद रखना। ये वीडियो इसीलिए बन रही है कि जो किसी ने मुझसे सवाल किया कि क्या 2 लाख में मर्डर हो जाता क्या करेंगे, जब इंसान का ये ख़त्म हो जाता है ना सोचने समझने की ताकत, तो 2 लाख क्या 5 लाख भी आदमी देखे मारण क्रिया करवा देता है। क्योंकि एक पूजे पाठ का जरिया ऐसा होता है ना कि आदमी इसी मंत्रों के जरिए आदमी का दिमाग ख़राब कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, समझ रहे हो? कानून को सबूत चाहिए। मेरे पूजा पाठ के बोलने से होता नहीं है, मैं बोल रही हूँ मैंने क्या किया वो तो बताओ, सबूत तो दो, क्या छुरी चलाया कि चाकू चलाया कि क्या किया, कोई नहीं। तंत्र विद्या में कोई सबूत नहीं होता है भाई कि किसने क्या किया, क्योंकि वो मंत्रों का काम है, और मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैंने मार दिया। लेकिन मैंने मार दिया, ऐसा होता है। एक एक अघोरी ऐसे बैठे हैं कि जो लोग उल्टा बोलते हैं ना, अघोरियों से जितने लोगों ने पंगा लिया ना उनकी सबकी ज़िंदगी हो गई ख़राब, क्योंकि हम लोग कामाख्या के पुजारी हैं, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। आपको मालूम है अघोरियों से पुलिस वकील सब डरते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये तो हम तो सिर्फ इन पे इनको रंगे हाथ किसी चीज़ में पकड़ेंगे तो, क्योंकि उनको भी हमारे साथ भी रंगे कोई गलत काम करते पकड़ा जाना चाहिए ऐसा, लेकिन हम अघोरियाँ कुछ नहीं करेंगे। कितने पंडित कितने पुलिस वकील गुंडे डरते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये लोगों को अगर साला जेल में भी बंद कर दें, जेल में भी बैठे बैठे मंत्र करेंगे, भले ही अंदर रहेंगे लेकिन इनके बाहर निकलने तक हमारी अर्थी ऊपर जा चुकी रहेगी, ऐसी बात। क्योंकि जबान काटने के बाद भी अगर आप हमारी जबान भी काट दो, अंदर जो अंतर मन में जो मंत्र चालू रहता है, उंगलियों पर जो मंत्र चालू रहता है, उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात पकड़ लेना। मेरा प्रभु ना मेरी उंगलियां घूमते जब देखता है तो समझ जाता है फिर से इसका किसी ने दिमाग ख़राब किया, उंगलियां घूमने कर दिया। अगर मैं उंगलियां नहीं भी घुमाऊँ तो भी मन के अंदर, क्योंकि मैंने माला वाला कल ही मेरी मुंड माला टूटी है, किसी ने बहुत ज़बरदस्त वार किया था, मुंड माला टूटी है तो मुंड माला टूट के अब गई है मुंड माला, सारी राक्षसिन बन के देखो क्या करती हैं, मज़ा देखो ऐसा। और हाँ, कल तो मैंने देखा कुमाता के बेटे ने भी मेरी बेटी को नंबर पे फ़ोन किया था, कुछ बोल नहीं रहते। एक बात याद रखना, अन्नू जी साथ में थी, घर पे आके तोड़ेंगी ऐसे ऐसे कट 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 कर काटेंगी, याद रखना। मेरे बच्चों से दूर रहना, बस इतना ही बोलूँगी। मेरे को यही बोलना है कि क्या अपने घर की बहू लोग की सबकी दलाली करके ख़त्म हो गए क्या? क्या मेरी बेटियों के पीछे पड़े हैं? हाँ, बस इतना चाहूँगी मैं। मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरी अन्नू जी ने सीधे सीधे जिम्मेदारी ली है। विद्या जी, अगर आप तक कल मेरी प्रेरणा के नंबर पे फ़ोन आया तो मेरी अन्नू जी बोली दो, मेरी अन्नू जी सिर्फ बहाना ढूंढ रही, एक बार एक गलती करो तुम लोग
तुम्हारे घर पे जाके इतना मारेंगे, गिरा के इतना मारेंगे ना कि तुम्हारी तू तू खत्म हो जाएगी सच्ची में, ये बात याद रखना। फिर क्या होगा देख लेना, क्या मतलब है फालतू में तुम्हारे लोग भी बाहर निकलते, किसी का हाथ पैर टूट जाए, लोग गायब हो जाए, क्या करोगे बताओ। ये जो लड्डू की मम्मी को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, कितना टाइम लगेगा अगर हम, अगर किसी ने तुम लोग को गायब कर दिया क्या करोगे बताओ। हाँ कितनी बार किसी को यूट्यूब के ज़रिए समझाऊं लेकिन बेशरम बन के फिर भी बात करना करना। हाँ हमारी ज़िंदगी में झगड़ा लगाने के बाद भी फिर भी अपने आप को होशियार समझना, टेंशन इस 9 दिन में मैं सबकी होशियारी गांड में डालने वाली हूँ देखो तुम, ये बात पक्की है। जिसने मेरे घर में मेरे बच्चों के बीच में झगड़ा लगाया है ना उसकी भी बैंड बजने वाली है, उसकी तो मैं ऐसी बैंड बजाऊंगी, वो तो मेरी इधर 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 इधर, उसको ना उसके अंदर ये सुलेमानी रहमानी कीड़े हैं कि हाँ कुछ नहीं कर सकती मैं देख विद्या देवी क्या करती है, मज़ा देख तू, या तो तू बोलना ही छोड़ देगा या तो करेगा, क्योंकि कहता है इंसान को अपनी उम्र का तो तकाजा होना चाहिए कि अभी अंडे में से बाहर नहीं निकले तुम लोग इतना कर रहे हो, हम लोग तुम्हारा क्या करना चाहिए, देखो मैं क्या करती हूँ, मज़ा देखो। दूसरों के घर की लड़कियों को तुम लोग बिगाड़ने को देखते हो, तुम्हारे भी घर में बहन है, माँ है, तुम्हारे भी घर में बहन है, भाभी है, अगर तुम्हारी बहन भाभी किसी के साथ भाग गई तो क्या करोगे, मज़ा देखो मैं क्या करती हूँ। बस 9 दिन का वेट कर, जय माता दी।